और आइए ये मंच में आलिम समर के हवाले करूं, उसके पहले चार पंक्तियों में आपसे निवेदन कर लूं। कविता है क्या, इस पर बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन मैं चूंकि मेरा घर है, मेरा अपना मुकाम है, मैं बहुत पढ़ना नहीं चाहता हूं। मेरी 13 किताबें प्रकाशित हुई, ये सब लोगों की दुआओं से प्रकाशित हुई। 14वीं किताब कहानी की शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएगी। हमारे मेरू भाई, हमारे विष्णु भाई, इन सब का बहुत योगदान रहता है पुस्तकों के प्रकाशन में। कविता पर बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन कविता क्या है, मैं वहीं से चार पंक्तियां देकर के आलिम समर के हाथ में ये है मंच देना चाहता हूं। सुनिएगा, कथा भागवत की कविता में श्री कृष्ण जी की बात है। कथा भागवत की कविता में श्री कृष्ण जी की बात है। कविता है रामचरितमानस, पढ़ी जाती दिन रात है। कविता है रामचरितमानस, पढ़ी जाती दिन रात है। कविता इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब की नात है। कविता इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब की नात है। कविता प्यार मोहब्बत एकता सौहार्द की जज्बात है। कविता प्यार मोहब्बत एकता सौहार्द की जज्बात है। ऐसी कविताओं को सुनने के लिए और सुनाने के लिए हम दोनों मन बनाएं और आलिम समर के हाथ में ये डायस देने के पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, केवल चार पंक्तियों से एक मुक्तक के माध्यम से। सुनिएगा, सुनने वालों ये कहे एहसान कर दीजिए, कवि व शायर का सम्मान कर दीजिए, कवियों शायर का सम्मान कर दीजिए। पंक्तियां जब पसंद आवे इनकी तुम्हें, पंक्तियां जब पसंद आवे इनकी तुम्हें, तालियां अपनी कुर्बान कर दीजिए, तालियां अपनी कुर्बान कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों ने सुना, सराहा, और मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने मिशन में कामयाब हूँ। जो मकसद मेरा प्यार मोहब्बत बांटने का है, भाईचारा बांटने का है, लोगों के बीच प्यार और मोहब्बत बनाए रखने का है, एकजहती बनाए रखने का है, वो हमारे शोरा इकराम ने किया और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, इसलिए मैं आप लोगों को एक बार फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं। और एक आखिरी मुक्तक पढ़ करके इस मंच को यहीं स्थगित करते हैं, डिले करते हैं। गागर आती होगी, आप उसमें शरीक होइए और बाबा की शान में कवाली सुनिएगा। हम एक मुक्तक पढ़ रहे हैं, हमारी इच्छा क्या है, आप जानते हैं कि लाइफ इन द वर्ल्ड इज ए जर्नी एंड ग्रेव इज द रियल होम ऑफ एवरी मैन। आलियल स्टीवेंसन अंग्रेजी का पोएट था, वो कहता था कि लाइफ इन द वर्ल्ड इज ए जर्नी एंड ग्रेव इज द रियल होम ऑफ एवरी मैन। जीवन संसार की यात्रा है और हर व्यक्ति का वास्तविक घर कब्र है। तो हम क्या हैं, हम मुसाफिर हैं। आप लोगों की दुआओं से मुझे अंग्रेजी का भी इल्म है, उर्दू का भी इल्म है, हिंदी का भी इल्म है। तो आइए आखिर में एक मुक्तक पढ़ रहा हूं कि आवो मिल प्रेम की राह पर हम चलें, आवो मिल प्रेम की राह पर हम चलें, भूल सिके वे गिले अब लगे हम गले, भूल सिके वे गिले अब लगे हम गले, आवो हस बोल ले प्रेम से साथियों, आवो हस बोल ले प्रेम से साथियों, हम मुसाफिर हैं फिर हम मिले ना मिले, हम मुसाफिर हैं फिर हम मिले ना मिले।